क्या आप भी मोबाइल से अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हो तो दोस्तों आपको किसी भी ब्राउज़र पर आ जाना है और आपको माई आधार UIDA.gov.in ये वेबसाइट है दोस्तों, इसको सर्च कर लेना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट को सर्च कर लेते हो तो आपके सामने एक वेबसाइट आ जाती है, ये फर्स्ट वाली, इसको आपको ओपन करना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, देखिए डाउनलोड आधार, आपको इस डाउनलोड आधार पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड आधार पर क्लिक करते हो तो यहाँ आपके पास तीन ऑप्शन मिलते हैं। आधार कार्ड नंबर से आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, या इनरोलमेंट आईडी से, या वर्चुअल आईडी से। तो मेरे पास आधार कार्ड नंबर है तो मैं आधार कार्ड नंबर को यहाँ पर फिल कर दूंगा। इसके बाद दोस्तों आपको ये कैप्चे है, इस कैप्चे को यहाँ पर आपको भर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देते हो दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसको आपको उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करना है। देखिए इंटर ओटीपी, यहाँ पर आपको वो ओटीपी अपने मोबाइल से देख के दोस्तों जो ओटीपी यहाँ पर आया है, इस ओटीपी को आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है दोस्तों, या फिल कर सकते हो। और दोस्तों इसके बाद आपको वेरीफाई एंड डाउनलोड पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप वेरीफाई और डाउनलोड पर क्लिक कर देते हो, इसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल में एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, जिससे कि आपका आधार कार्ड, यानी कि आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों। तो इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपसे ये एक पासवर्ड पूछेगा, तो आपका जो भी नाम है उसके पहले चार अक्षर आपको कैपिटल लेटर में आपको फिल करने हैं। और जैसे आपकी जन्मतिथि है 1/5/2000, तो दोस्तों जो भी आपका सन है लास्ट का, 2000 या 2003, 2004, कुछ भी हो दोस्तों, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। याद रखिए अपने नाम के चार अक्षर पहले, और आपकी जो लास्ट ईयर है वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। और दोस्तों ओके पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप ओके पर क्लिक कर देते हो तो आप देख सकते हो आपका आधार कार्ड यहाँ पर डाउनलोड हो। जैसे ही आप दोस्तों पासवर्ड में अपने नाम के चार अक्षर और आपका नाम लास्ट ईयर भर के ओके करते हो, तो दोस्तों आपका आधार कार्ड आपके सामने ओपन हो जाता है। और मैं यहाँ पर इसको जूम करके दिखा रहा हूँ, ताकि मेरी जो मेरी डिटेल्स हैं वो सिक्योर रहें और प्राइवेट रहें दोस्तों, इसलिए मैं आपको ये आधार कार्ड जूम करके दिखा रहा हूँ। तो इस प्रकार दोस्तों आप 2023 में अपना आधार कार्ड अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों, और वो भी बिल्कुल फ्री में दोस्तों। आप इसको जाके प्रिंटर से प्रिंट करा सकते हो और कटिंग करके प्रिंट करा सकते हो दोस्तों।